उज्जैन के टावर चौराहा पर रविदास महाराज के 644वें जन्मोत्सव पर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। श्री गुरु रविदास के 644वें जन्म दिवस पर वाहन रैली निकाल कर गुरु रविदास जी को याद किया गया। इस दौरान उज्जैन शहर के निवास करने वाले सभी बड़ी संख्या में रहवासी मौजूद थे। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मुख्य मार्ग से यह शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल होते हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। से नरवर में स्वागत किया गया चल समारोह का किस प्रकार से क्या रहा? संत रविदास महोत्सव के तहत 244 जयंती के अवसर पर हम ग्रामवासियों ने नरवर में इस चल समारोह का भव्य रूप से स्वागत किया गया। किस प्रकार से आज चल समारोह निकाला गया, किस प्रकार से तैयारियां की गई, किस प्रकार से स्वागत किया गया यहाँ पर ग्राम नरवर के चल समारोह का स्वागत किया गया और सभी समाज के लोगों ने मिलकर एक सामाजिक समरसता का परिचय देते हुए इस नरवर गांव की जो परंपरा है उसको हमने आगे बढ़ाया है। मैं सभी समाजजनों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। उनका इतिहास देखना है हमें तो हमारे पास क्या है कि उनकी एक रविदास रामायण के रूप में पुरानी प्राचीन ग्रंथ रखा हुआ है और उसी ग्रंथ के माध्यम से सारी समाज को हम जगाने का काम करते हैं। ये तो महाराज ने कहा था आज से 700 वर्ष पहले कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबंध को अन्न छोट बड़ो सब संभ से रविदास रहे पसंद। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके संविधान में लिख दिया है कि इन्हें सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, ऊंच नीच भेदभाव सभी समानता किसी प्रकार का किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ऊंचा है या कोई नीचा है, कोई जाति है पाति है। हम सभी समाज के लोगों को मिलके चलने वाले लोग हैं और गुरु महाराज की यही प्रतिज्ञा थी। गुरु महाराज के इतिहास में भी लिखा है कि सबको समानता का अधिकार दिया जाए, सबको भोजन मिले। यह मंदिर क्या नाम से जाना जाता है और क्या कहाँ पर? सदगुरु रविदास जी महाराज का मंदिर है और नरवर के अंदर स्थापित आज ही इनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है। तो हमारे इसी कड़ी को हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो आपको बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।